हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे इलास्टिक स्लीव्स। ये मैं बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी है और इसे पूरा एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, यू कैन लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लीव्स के नीचे वाले पार्ट में हमें क्या करना है, 5-5 इंच मार्क करना है। ठीक है, 5 इंच इसलिए मार्क करना है बिकॉज हमें इसके ऊपर पट्टी अटैच करनी है जिसके बीच हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो ये जो मेरी स्लीव्स रेडी हैं, ये मेरी 17 और 18 इंचज़ हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जितना चाहो वो कर सकते हो। तो जो पट्टी की विड्थ रहेगी वो अराउंड 1 इंच रहेगी। वैसे आप 1 इंच लो तो काफ़ी बेटर अगर बारीक वाली यूज़ करो। तो जो 1 इंच की पट्टी है उसको पहले हम अटैच करेंगे अपने जो मार्क किया है उसके ऊपर। तो अटैच करने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले एक साइड से अटैच करेंगे अपनी पट्टी को और फिर उसको दूसरी साइड से अटैच करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो इलास्टिक वो बारीक वाली यूज़ कर रही हूँ तो उसके हिसाब से मार्क कर लेंगे। ठीक है, मार्क करने के बाद हम दूसरी साइड पट्टी को फोल्ड कर लेंगे जिसके बीच हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो ये जो मैं है अपनी इलास्टिक है, ये जो अपना जो है एल्बो है उसके नीचे हमारी इलास्टिक आएगी, तो वहाँ से आपको मेजर करना है। तो यहाँ पर भी आपकी इलास्टिक है, वहाँ से आपको मेजर करना है। ठीक है, इलास्टिक को मेजर करके हम इसको इंसर्ट करेंगे। तो जैसे मेरी आई थी 10 इंचज़, तो हिसाब से हम 10 इंच इलास्टिक ले लेंगे और इसको इंसर्ट कर लेंगे। तो ये जो है स्लीव्स, ये बहुत ज़्यादा इनफ्रंट में है। आप इसको अपनी कुर्तीज़ और टॉप के साथ ये बना सकते हो और ये आपको बहुत ही ज़्यादा आपकी लुक को इन्हांस करेगी। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। सो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो अपनी स्लीव्स है उसके बॉटम वाली पार्ट को आप फोल्ड भी कर सकते हो डबल और पीको भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो मैं इसको पीको कर रही हूँ। ठीक है, तो आप इसको पीको कॉन्ट्रास्ट कलर में भी कर सकते हो, मैंने तो वैसे वाइट में ही किया है। आप इसको जैसे ग्रीन और रेड में करोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो पीको करने के बाद अब हमें क्या करना है कि इसको अपने स्लीव्स को रेडी कर लेना है और सिंपली अपनी कुर्ती के साथ अटैच कर लेना है। ठीक है, सो हियर इज द लुक ऑफ माई स्लीव्स। डू लेट मी नो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।